खरगोन जिले की सभी तहसील खरगोन, खरगोन नगर, कसावत, महेश्वर, बड़वाह, सनावत, गोगावा, भीकनगांव, झिरनिया, भगवानपुरा व सेगांव में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सभी इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें 9925046607। सोमवार को नगर के धूलकोट रोड स्थित मुख्यमंत्री हाट बाजार परिसर में आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें विधानसभा के ग्रामों से आए पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठन के पदाधिकारियों ने जानकारी दी। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जाकर जमकर हमला बोला और कहा कि प्रदेश में दिनों दिन महंगाई बढ़ रही है, जनता परेशान है, खासकर गरीब वर्ग के लोगों को ज्यादा मुसीबतें का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म होगा, साथ ही हर व्यक्ति समृद्ध बनेगा। इसके साथ ही पदाधिकारियों ने कहा कि भगवानपुरा विधानसभा में इस बार आम आदमी पार्टी का विधायक बनाने के लिए मेहनत करें। भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियों के विधायकों को देख लिया है, क्षेत्र का कोई विकास नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल के बारे में भी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान विधानसभा की कार्यकारिणी भी गठित की गई। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश उपाध्याय, प्रदेश प्रवक्ता श्री राणावत, क्षेत्रीय संगठन सचिव राजकुमार दुबे, मुश्ताक मलिक, पूर्व प्रत्याशी भूरेलाल बिलवाले, विधानसभा अध्यक्ष शोभाराम डावर, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष जयंत गुप्ता, शैलेश चौबे, कार्यालय प्रभारी मोर सिंह कनौजे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन सुरेश माहिले ने किया। आभार वरिष्ठ नेता बलिराम सिसोदिया ने माना। कार्यक्रम के दौरान सदस्यता अभियान चलाकर कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाकर पार्टी में काम करने के लिए उत्साहित किया गया। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मुकेश उपाध्याय, आम आदमी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष और इंदौर संभाग का प्रभारी हूँ। आज भगवानपुरा के अंदर हमारा पूरा राष्ट्रीय स्तर पर जो चलने वाला मैपिंग कार्यक्रम है, जो विधानसभा तक की मैपिंग हो रही है, वो कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग आए और उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की गई क्या था? ये विधानसभा चुनाव की रणनीति के लिए ही ये कार्यक्रम रखे गए हैं, क्योंकि अब पूरा एक या सवा साल बचा है हमारे यहाँ के विधानसभा के चुनाव में, और हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी पार्टी का किस किस गाँव में, किस किस फलाह में हमारे कितने कार्यकर्ता हैं। तो वही कार्यकर्ताओं को कैलकुलेशन करने के हिसाब से, वही जोड़ने के लिए हिसाब से, सीधे जोड़ने के हिसाब से हमने ये कार्यक्रम रखा था। और मुझे बहुत अच्छी खुशी है कि इसके कारण आज हम भगवानपुरा जैसे क्षेत्र के अंदर भी हमारे इतने कार्यकर्ता जुड़े हैं, और ये शुरुआत है। और अगले महीने, दो महीने, चार महीने में लगातार ये कार्यक्रम इस ढंग से होते जाएंगे। हम ये वार्ड स्तर पर, पंचायत स्तर तक भी ये कार्यक्रम करेंगे, ताकि हम पंचायतों, वार्ड तक हमारे आदमी और हमारे कार्यकर्ता बना पाएं। क्या नाम लिखते हैं? मैं मुकेश उपाध्याय, आम आदमी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।